ओके गाइस, आई थिंक हम लाइव हैं। आई डोंट नो हम लाइव हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो यहाँ प्रॉब्लम है आज। गाइस आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो यस कमेंट करो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कुछ प्रॉब्लम है स्ट्रीमिंग के ऊपर। काफ़ी टाइम से मैं इसे देख रहा हूँ और ये प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में आ नहीं रही है। एक्चुअली ये है क्या? ओके तो आवाज आ रही है मेरी, चलो ठीक है यार। आई थिंक ये स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर्स हैं ये लगातार लूप में चल रहे हैं, तो आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है। 15 मिनट से मैं इसे देख रहा हूँ और मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बार बार ये आगे जा रहा है। सो कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है, बट क्यों नहीं, फिर भी हम आ चुके हैं लाइव के ऊपर, तो अब आ चुके हैं तो बात तो करेंगे ही। और बेसिकली ये स्ट्रीमिंग होगी NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू के लिए। काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करनी है हमें NJPW के डोमिनियन पेपर व्यू को लेकर, तो देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। वैसे तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ कि ये स्ट्रीमिंग कंटिन्यू करनी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है स्क्रीन, लगातार अपने आप वीडियो लूप में चलते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। बट चलो ठीक है, अब आप लोग आ ही गए और मैंने बोला था तो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। सो देख लेना थोड़ा सा अगर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होती है, डिस्प्ले के ऊपर लगातार अगर फोटोज आगे जा रहे हैं तो सो सॉरी। बट चलो अब आप लोग आ गए हो तो बात कर ही लेते हैं। राहुल ब्लॉग आ चुके हैं यहाँ पर, हेलो राहुल ब्लॉग। ब्लैक गोकू आ चुके हैं, हाय ब्लैक गोकू। अमर मुनीम आ चुके हैं, हेलो। नो एंट्री आ चुके हैं, रसल नरेटर आ चुके हैं। स्ट्रीमिंग कब तक? थोड़ी देर में ज्वाइन करूँगा। फ्रेंड टुगेदर बोल रहे हैं वापस स्टार्ट करो, हो सकता है ठीक हो जाए। आई डोंट नो, ये वापस स्टार्ट होने वाले से ठीक वाली प्रॉब्लम है। ये जिस वेबसाइट से मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी सी एडिटिंग की है, तो अब इस एडिटिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है या फिर किसकी वजह से आई डोंट नो, ये लूप में चलते जा रहा है। तो अब आज तो थोड़ा सा हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि इन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि अब मेरे पास टाइम है नहीं। अगर मैं इसे अभी सही करूं तो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं वेस्ट करूं। तो चलो ठीक है, अब आ गए तो आ गए, बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। आज WWE के मंडे नाइट्रो के ऊपर ब्रांड न्यू वर्ल्ड टाइटल अनवील किया गया, तो कैसा लगा आप लोग को टाइटल, आप लोग कॉमेंट करके बताओ थोड़ा। मुझे तो टाइटल काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड स्टार पर, वैसे डिजाइन तो ये सेम ही है, 10 साल से WWE सेम डिजाइन को रख रही है, बस कलर चेंज कर रही है। आई थिंक रॉक ने पहली बार ये वाला डिजाइन लाया था, उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने नया वाला डिजाइन रिवील किया था ब्लैक में, और फिर रेड वाला डिजाइन आया था फिन बैलर के एरा में, और अब ये वाला डिजाइन आ रहा है, तो ठीक है। ओके, मंडे नाइट रॉ नहीं, स्मैकडाउन, सॉरी थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि अभी भी मेरे स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान भटा हुआ है, मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में मैं आपके कमेंट को भी ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है यहाँ पर। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम है क्या, लगातार ये स्क्रीन क्यों जा रही है आगे, तो चलो ठीक है, जो भी है सो है। तो आई थिंक अब ये रुक रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके, आई थिंक ये रुक चुका है, नहीं नहीं रुका, चलिए ठीक है। चलो ठीक है यार, अब आ चुके हैं तो बात तो करेंगे। अच्छा लग रहा है टाइटल, सिराजल जैन क्या कह रहे हैं, टाइटल अच्छा लग रहा है। रोमन रेंस को भी मिल जाए आज एक, रोमन रेंस को भी मिलाए आज एक चैंपियनशिप बेल्ट। भाई आपकी स्ट्रीम में पॉडकास्ट की तरह सुनता हूँ, सो ओके चलो ठीक है, पॉडकास्ट की तरह सुनते हो तो अच्छी बात है यार, और क्या होना चाहिए। तो ये स्ट्रीमिंग के अंदर हम बात करेंगे NJPW के डोमिनियन, AEW के फॉरबिडन डोर और कोलिजन के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर AEW के न्यूज के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, AEW के अंदर अब CM Punk फेस करने वाले हैं स्विच ब्लेड जे वाइट को। अब आई डोंट नो ये स्टोरी कहाँ से सामने आई, एक बैग कल यहाँ पर फाइटफुल ने ये रिपोर्टिंग की कि CM Punk जेरिको के साथ मैच रेसल करने वाले थे, इन दोनों का मैच होने वाला था, बट इस प्लान को थोड़ा सा यहाँ पर AEW कंपनी ने होल्ड किया है। अब ये प्लान होल्ड क्यों किया गया, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो क्या है,
बट फिलहाल के लिए AEW कंपनी पंक को लेकर दो स्टोरी लाइन के ऊपर काम कर रही है। पहली स्टोरी लाइन सबको मालूम है, सीएम पंक वर्सेस समोआ जो। दूसरी स्टोरी लाइन यहां पर है सीएम पंक वर्सेस स्विच ब्लड जे वाइट, जो स्टोरी लाइन AEW कंपनी इस समय करना चाहती है, इस समय रन करना चाहती है। तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखने में कि ये वाली स्टोरी लाइन AEW कंपनी कैसे रन करती है। अब जे वाइट वर्सेस सीएम पंक मैच तो बढ़िया है, बट मुझे लगता है कि सीएम पंक को जे वाइट से लड़ाना थोड़ा सा यहाँ पर अलग हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि सीएम पंक जे वाइट से लड़ेंगे तो सीएम पंक बेबी फेस होंगे, सबको मालूम है। जे वाइट यहाँ पर सीएम पंक से हारेंगे, ये भी सबको मालूम है, अगर सीएम पंक बेबी फेस रहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सीएम पंक वर्सेज जे वाइट के अंदर जे वाइट को सीएम पंक हराना ठीक है, जे वाइट हारेगा तो थोड़ी सी यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि बुकिंग सही होगी, बट चलो जो है। मुझे लगता है कि सीएम पंक को यार जे वाइट को इंटरेक्शन में डाल देना चाहिए, हील सीएम पंक को लाना चाहिए, बेबी फेस वाला बहुत हो गया ये ड्रामा। हील सीएम पंक आएगा तो ज्यादा मजा आएगा देखने में, बट क्योंकि यहाँ पर काबू के अंदर तो हो रहा है, तो पहली बार तो सीएम पंक फेस ही होगा। अब उसके बाद AEW कंपनी सीएम पंक को हील की तरह यूज करती है, फेस की तरह यूज करती है, ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। पहली बार तो भाई सबको मालूम है कि फेस होने वाला है, बट दूसरी बार वो हील होगा या फेस होगा ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। तो देखते हैं भाई AEW कंपनी क्या करती है यहाँ पर, सीएम पंक को फेस के तौर पर यूज करके कितना प्रॉफिट करती है, क्या करती है, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल कोलिजन के लिए ज्यादा हाइप है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोलिजन डायनामाइट के साथ हेड टू हेड जाकर उतना कम्पीट कर पाएगा। चलो ठीक है यार, स्क्रीनिंग थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं अभी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इसे हम चलने देते हैं। और मुझे लगता है कि स्क्रीन से आप लोगों को उतना कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है तो सॉरी, नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं इसे सही करूंगा, क्योंकि मैं आप फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ फोकस तरीके से, तो इसे हम रहने देते हैं, स्क्रीन को जैसे जा रही है जाने देते हैं, अगली स्ट्रीम के अंदर मैं इसे सही कर दूंगा। फिलहाल मैं आपके कॉमेंट लेता हूँ और जिसके लिए स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर बात करते हैं। तो AEW और NJPW का अगला पेपर व्यू फॉरबिडन टूर जा रहा है, और फॉरबिडन टूर के ऊपर इस हफ्ते डायनामाइट पर कोई भी बिल्डअप नहीं हुई, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने नहीं किया। अब AEW कंपनी को फॉरबिडन टूर के अंदर सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं, दो या तीन हफ्ते, अब इसके अंदर इन लोगों ने कोलिजन डाल दिया, तो अगले हफ्ते ये लोग कोलिजन को बिल्डअप करेंगे। 26-25 जून को यहाँ पर AEW और NJPW का फॉरबिडन टूर है, और बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर हाइप नहीं है, कोई भी बिल्डअप नहीं है, तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब काफी बेकार बुकिंग है, मैं बिल्कुल बोलूंगा बहुत ही बेकार बुकिंग है। एक तो एक महीने के अंदर ये लोग शो कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ये लोग बिल्डअप नहीं दे रहे हैं, एक महीने के अंदर तीन डायनामाइट के ऊपर ये लोग देनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि फॉरबिडन टूर के ऊपर बिल्डअप ये लोग कोलिजन पर देते हैं, क्योंकि कोलिजन शुरू होने के बाद डेफिनेटली स्टोरी लाइन को बिल्ड करने में AEW कंपनी को आसानी होगी, तो मजा आएगा देखने में। थोड़ा सा मैं आपके कॉमेंट लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्टर्ब था ये चीज देखकर, फिर मैं बात करता हूँ। I want to sign AEW Elliot Blackpool, so I think he will be the future. What do you think? Not signing? देखो यार, luchador काम करते नहीं है उतना USA के अंदर, चलो ठीक है sign कर भी लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर वो Vacuum को sign भी करते हैं तो Vacuum को world champion तो बनने से रहा, और अगर बना दिया तो company डूब जाएगी। Vacuum को हो गया, Commander हो गया, या फिर दो चार Pentagon Junior को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि Pentagon Junior मुझे लगता है कि काफी सही wrestler है, तो Pentagon Junior की मैं यहाँ पर बात नहीं करता हूँ, बट उसके अलावा जितने भी हैं मुझे लगता है कि ये AEW स्टार बन पाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। पंक वर्सेस केंटा फॉरबिडन टूर, हाँ पंक वर्सेस केंटा फॉरबिडन टूर की बात हो रही है यहाँ पर। केंटा भाई लगातार सोशल मीडिया के ऊपर टीच कर रहा है कि वो पंक को फेस कर सकता है, तो देखना दिलचस्प होगा कि केंटा के सच में सीएम पंक को फेस करता है। मतलब मैं तो चाहूंगा कि फॉरबिडन टूर के ऊपर ये लोग केंटा वर्सेस सीएम पंक बुक करें। सीएम पंक आई थिंक केंटा वर्सेस सीएम पंक के साथ साथ एक और मैच जो AEW कंपनी बुक कर सकती है वो होगा तानहासी वर्सेस पंक। बिल्कुल सिंपल ये लोग स्टोरीलाइन रख सकते हैं, लास्ट ईयर सीएम पंक के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद तानहासी ने कंफर्म किया, बट पंक की इंजरी की वजह से वो मैच वहां पर हो नहीं पाया, बट अब क्योंकि यहां पर पंक की इंजरी हील हो चुकी है, पंक वापस आ रहे हैं, तो AEW चाहे तो वो स्टोरीलाइन वहीं से शुरू कर सकती है जहां खत्म हुई थी, और पंक वर्सेज तानहासी मैच भी बढ़िया मैच हो सकता है, बट मैं प्रेफर करूंगा सीएम पंक वर्सेज केंटा। शॉर्ट टर्म के अंदर जो हार्डकोर फैंस है वो इसको लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे, GTS वर्सेस GTS मजा आएगा देखने में। केंटा ने यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर सीएम पंक को लेकर एक पोस्टर भी लगाया था, जिसके ऊपर तो यहाँ पर प्रिंट टुगेदर का कहना है वॉइस भी सही नहीं आ रही है ब्रो, कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी स्ट्रीमिंग में, मैंने बोला यहाँ पर, मैं सोच रहा था स्ट्रीमिंग को मैं बंद कर दूं ना करूं आज,
बट क्योंकि यहाँ पर हम डोमिनियन को लेकर बात करने वाले हैं और डोमिनियन कल ही होने वाला है, तो मैं स्ट्रीमिंग बंद कर नहीं सकता था। अगर डोमिनियन कल नहीं होता एनजेपीडब्ल्यू का, तो मैं स्ट्रीमिंग को कैंसिल करता और कल मैं स्ट्रीमिंग करता, बट क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू कल डोमिनियन पे रिव्यू कर रही है तो मैं कैंसिल कर नहीं सकता। तो आई थिंक हम स्ट्रीमिंग को ज्यादा लंबा रखेंगे नहीं, शॉर्ट ही रखेंगे। मुझे आशा था कि मैं स्ट्रीमिंग को लंबा करूंगा बट मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर की, पंक वर्सेस केंटा, ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब आई डोंट नो एडब्ल्यू कंपनी मैच को कैसे कब बुक करेगी। केंटा ने तो किया यहाँ पर कि पॉसिबली वो आ सकते हैं एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के, मैं समझ गया कि वॉइस क्यों नहीं सही आ रही है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप के वॉइस को भी ऑन करके रखा था। अब यहाँ पर आपको आवाज साफ सुनाई देगी फ्रेंड टुगेदर, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होनी चाहिए वॉइस वाली। तो यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो है। इसके अलावा फॉरबिडन डोर पर मैच की बात करें, कोनोसुके तकेशिता ने ओकाडा को कॉल आउट किया था, कॉल आउट नहीं किया, बट अगर आप लोगों ने डायनामाइट के ऊपर कोनोसुके तकेशिता और डॉन केलिस का सेगमेंट सही से देखा होगा, तो आप लोग को मालूम होगा कि जब यहाँ पर डॉन केलिस प्रोमो कट कर रहे थे और बोल रहे थे कि कोनोसुके तकेशिता ग्रेट मोटा से बेटर है, इनसे बेटर है, उनसे बेटर है, इनोकी से बेटर है, बट जब यहाँ पर डॉन केलिस ने प्रोमो के अंदर ओकाडा का नाम लिया, तो एडब्ल्यू का जो कैमरा एंगल था वो डायरेक्टली फॉरबिडन डोर के पोस्टर पर जाता है। और एडब्ल्यू कंपनी आई डोंट नो ये जानबूझकर कर रही थी या सिर्फ ये फॉरबिडन डोर को प्रमोट करने के लिए था, बट यहाँ पर एडब्ल्यू ने थोड़ा सा ये हिंट किया कि पॉसिबली वो फॉरबिडन डोर पर ओकाडा वर्सेस टेकेशिता कर सकते हैं। बट क्योंकि इस समय एनजेपीडब्ल्यू के अंदर मोस्टली एनजेपीडब्ल्यू के सिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप के राइवलरी में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है मोस्टली और ओकाडा कम्पीट करें फॉरबिडन डोर पे, तो होगा क्या देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ओकाडा दो दो इस समय ओपोनेंट है ओकाडा के पास, जॉन मॉक्सली कोनोसुके तकेशिता दोनों दोनों इनडायरेक्टली बीसीसी के मेंबर है। तकेशिता बीसीसी के मेंबर ऑफिशियल नहीं है, बट जिस तरह से डीओएन पर चेकिंग हुई है उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि तकेशिता भी ओकाडा को फेस करें, तो देखना दिलचस्प होगा कि मॉक्सली वर्सेज ओकाडा होता है या तकेशिता वर्सेज ओकाडा। मैं प्रेफर करूंगा तकेशिता वर्सेज ओकाडा, क्योंकि मॉक्सली बीसीसी वाली चीज थोड़ी सी बेकार हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर मोखली को एडब्ल्यू के अंदर ओकाडा के सामने हेड टू हेड देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम होगी, तकेशिता ओकाडा से हारेगा, और अगर टोनी खान, मतलब मुझे तकेशिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड रेसलर है, बट अगर यहाँ पर टोनी खान कोनोसुके तकेशिता को ओकाडा के ओवर बुक करते हैं, अगर तकेशिता ओकाडा को फॉरबिडन डोर पर बीट करता है, फक एडब्ल्यू, मतलब क्या ये बुकिंग है। अगर एडब्ल्यू कंपनी, हाँ मुझे मालूम है अब वॉइस ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर फ्रेंड टुगेदर, मैंने अपने स्पीकर को ऑन करके रखा था तो मैंने स्पीकर को म्यूट कर दिया है, हो क्या रहा था कि मैं जो बोल रहा था वो आवाज ओवरलैप कर रही थी, अब ओवरलैप नहीं करेगी, बट ये जो स्क्रीन वाली प्रॉब्लम है ये आज कंटिन्यू होगी। सो सॉरी गाइस, जितने लोग स्ट्रीम के ऊपर है, स्क्रीन वाली प्रॉब्लम तो आज पूरी स्ट्रीम के अंदर होने वाली है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, अगली बार से हम कंटिन्यू करेंगे जिस तरह से स्ट्रीमिंग करते हैं। तो ये कुछ पूरा सिनेरियो है, ओकाडा दो दो ओपोनेंट है, जॉन मॉक्सली तकेशिता, अब एक टोनी खान किसके खिलाफ बुक करते हैं। अगर देखो जॉन मॉक्सली ओकाडा को बीट करता है तो कोई बात नहीं है, बट अगर यहाँ पर टोनी खान बुक करते हैं कोनोसुके तकेशिता को ओवर काजुचिका ओकाडा, तो ये थोड़ी सी चीज ओवर हाइप्ड हो जाएगी मेरे हिसाब से। वैकिंगो इज नॉट फेनिक्स और पेंटा, एडब्ल्यू डज नॉट नीड हिम। हाँ डेफिनेटली वैकिंगो कमांडर, मुझे लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे एडब्ल्यू में आकर उतना कुछ, तो ठीक है जो है। सो वॉइस सही नहीं आ रही है, हाँ मैंने ये कमेंट ले लिया। ओकाडा और मॉक्सली की स्टोरी लाइन चल रही है एनजेपीडब्ल्यू में, ये हो सकता है फॉरबिडन डोर पर मजा आएगा, मैंने बता दिया ब्लैक गोकु, देखो क्या होता है। तो 1% रेसलिंग आ चुके हैं यहाँ पर, द थिंग इज बैक, ओके अब वॉइस सही आ रही है। मॉक्सली वर्सेज ओकाडा एट ऑल इन वेम्बले, हाँ ये सही रहेगा, मॉक्सली वर्सेज ओकाडा वेम्बले में अगर ये लोग बुक करते हैं तो देखो मॉक्सली वर्सेज ओकाडा वेम्बले में होता है या नहीं। सीएम पंक रायबैक मैट कार्डोना जे वाइट अंदाजो सबको कोलिजन में ही भेज दो, कोलिजन ठीक बुक करो गर्दा मचा देंगे सब। देखो एक बात मैं आप लोगों को फ्रेंकली बता देता हूँ, मैं ये बात जब से कोलिजन अनाउंसमेंट हुई तब से लगातार कर रहा हूँ, एडब्ल्यू कोलिजन व्यूअरशिप के मामले में डायनामाइट को बीट नहीं करेगा, ये आप लिख कर ले लो मुझसे, क्योंकि वो शो सैटरडे नाइट को है। अगर वो शो शुरू होने के 2 महीनों के बाद कंसिस्टेंटली हर हफ्ते करीबन 6 लाख से 7 लाख व्यूअरशिप लाने में कामयाब होता है तो भाई कोलिजन सक्सेसफुल है। बट अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सैटरडे नाइट के ऊपर टीएनटी के ऊपर एडब्ल्यू कोलिजन हर हफ्ते 9 लाख व्यूअरशिप लाएगा, 8.5 लाख, 1 मिलियन, भाई ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कि कोलिजन डायनामाइट को बीट कर देगा व्यूअरशिप के मामले में, ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अमेरिकन टीवी नेटवर्क कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ पर चीजें चलती हैं। सैटरडे नाइट के ऊपर देखो प्रॉब्लम ये है कि एडब्ल्यू की जो ऑडियंस है
वो यंग ऑडियंस है, एडब्ल्यू के शो को यंग लोग देखते हैं, और जो यंग ऑडियंस है वो सैटरडे नाइट को घर में बैठकर टीवी नहीं देखेगी, वो बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, चीजें करेंगे। तो ये कुछ पूरा सिनेरियो है। तो मुझे लगता है कि कोलिजन व्यूअरशिप में काउंटर कर पाएगी डायनामाइट को, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर बुकिंग देखना पड़ेगा कि दिलचस्प होगा। 6 लाख 7 लाख अगर कोलिजन व्यूअरशिप ला पाती है कंसिस्टेंटली, मजा आ जाएगा। जैक सिब्रे जूनियर वर्सेस समोआ जो की स्टोरी लाइन चल रही है, ये मैच हो सकता है। हाँ ये हो सकता है ब्लैक गोकू जो वर्सेस सबरे, मैंने देखा आरओएच के ऊपर, मैं आरओएच को फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आरओएच को नहीं देखता हूँ, मैं अभी फॉलो करता हूँ, तो देखना तो दिलचस्प होगा। सीएम पंक तो ऑफिशियली कोलिजन पर रहेगा। ओके चलो आपने कोलिजन की बात कर ली, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रांड स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। मैंने आई थिंक वीडियोज के अंदर पिछले कुछ दिनों बात नहीं की है ब्रांड स्प्लिट के बारे में। यहाँ पर मैट हार्डी ने आज अपने पॉडकास्ट के ऊपर बात की थी AEW डायनामाइट और कोलिजन के ब्रांड स्प्लिट को लेकर, और ब्रांड स्प्लिट को लेकर जब मैट हार्डी ने यहाँ पर बात की तो मैट हार्डी का ये कहना है कि टोनी खान के अलावा किसी को नहीं मालूम है कि ये ब्रांड स्प्लिट एक्चुअली होगा कैसे, कैसे ये ब्रांड स्प्लिट काम करने वाला है। टोनी खान के अलावा किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर ब्रांड स्प्लिट कितना हार्ड होगा इसके लेकर AEW कंपनी के प्लान हर रोज चेंज हो रहे हैं, हर रोज AEW कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है। तो ब्रांड स्प्लिट के लिए जो करंट प्लान है उस प्लान के हिसाब से AEW के अंदर कुछ रेसलर्स हैं जो लगातार कोलिजन पर रहेंगे, डायनामाइट पर नहीं आएंगे। कुछ रेसलर्स हैं जो डायनामाइट पर रहेंगे, कोलिजन पर नहीं आएंगे। जो चैंपियंस हैं वो दोनों के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पर एक कमेंट लग था, अभी भी वॉइस ठीक नहीं है, आर की आवाज आ रही है, क्या आवाज में कुछ प्रॉब्लम है गाइस? क्या ये सिर्फ फ्रेंड टुगेदर के साथ हो रहा है या फिर सबके साथ हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है। क्या आप लोग को भी वॉइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है? मैं कह रहा हूँ अगर स्टोरी लाइन के हिसाब से बिल्ड हुई तो डायनामाइट को बीट करेंगे, कोलिजन चैलेंज है मेरा। हाँ 1% रेसलिंग, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, भावनाओं को समझ रहा हूँ, और कौन के हिसाब से रहेगी तभी समझ रहा हूँ। मैंने क्या कहा, वंस अगेन सैटरडे नाइट मेन प्रॉब्लम है शो के सैटरडे नाइट पर होने की, सैटरडे नाइट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये शो थर्सडे नाइट को होता, मंगलवार आई थिंक ट्यूजडे नाइट को होता, अगर ये शो फ्राइडे नाइट को होता तब AEW कंपनी कर देती यहाँ पर कोलिजन डायनामाइट को। प्रॉब्लम ये है शो सैटरडे नाइट को है, सैटरडे नाइट को यूएस में 18-49 डेमोग्राफिक फिगर वाली ऑडियंस टेलीविजन को नहीं देखती है, बहुत ही कम देखती है, अनलेस कोई बड़ा स्पोर्ट प्रोग्राम हो जैसे UFC के पेपर व्यू हो या फिर बॉक्सिंग तो, या फिर NCAA की कॉलेज फुटबॉल हो, ये सब चीजें यंग ऑडियंस देखती है। प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री रही है, WCW थंडर में फ्लॉप हुआ था, तो मुझे लगता है कि कोलिजन सैटरडे नाइट के ऊपर जा रही है, इस वजह से कोलिजन का डायनामाइट को बीट करना प्रॉब्लम है। बट देखते हैं यार, अगर बीट करेगी तो बढ़िया बात है। इम्पैक्ट क्या क्या फिर से आगे बढ़ पाएगी? नहीं, इम्पैक्ट कभी नहीं बढ़ पाएगी। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर AEW आ चुकी है और AEW के आने के बाद इम्पैक्ट उस लेवल पर जा ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी बड़े फ्री एजेंट हैं टोनी खान उनको ले जाएंगे, और AEW की वजह से इम्पैक्ट और NJPW जैसी कंपनियां बड़ी नहीं बन सकती है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब इम्पैक्ट वैसे बढ़िया कर रही है यार, मुझे इम्पैक्ट के शो पसंद आ रहे हैं काफी ज्यादा, कुछ दिनों में इम्पैक्ट जो कर रही है वो मजा आ रहा है देखने में। गाइस वॉइस आप लोगों को सही आ रही है? मैं कंफ्यूज हूँ काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड टुगेदर लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि वॉइस सही नहीं आ रही है। जैक सेबर जूनियर समोआ की शो चल रही है ROH में के, ओके इमेजिन जेरिको वर्सेस नाइटो फॉरबिडन डोर, जेरिको वर्सेस नाइटो एट फॉरबिडन डोर, जेरिको वर्सेस नाइटो एट फॉरबिडन डोर, नाइटो वर्सेस जेरिको की लंबे है, तो देखो यार नाइटो को करना चाहिए फॉरबिडन डोर पर इस साल, मतलब फॉरबिडन डोर पर लास्ट ईयर बुक नहीं किया, काफी बेकार लगा। वंस अगेन गाइज स्ट्रीमिंग के अंदर आज कुछ प्रॉब्लम है स्क्रीनिंग के ऊपर, सो सॉरी। अगली स्ट्रीमिंग हम करेंगे AEW के कोलिजन के लिए 17 जून को, और मैं मेक श्योर करूंगा कि उस स्ट्रीमिंग के ऊपर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम ना हो, तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि अगली स्ट्रीमिंग में आप लोग को ये सभी चीजें प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो नाइटो वर्सेस जेरिको फॉरबिडन डोर, यहाँ पर ब्लैक कोको का कहना है भाई मजा आएगा नाइटो अगर वर्सेस जेरिको होता है तो। देखो इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर काफी सारे मैचेज AEW कंपनी बुक कर सकती है, लास्ट ईयर ओमेगा को इंजरी हो गई थी, पंक को इंजरी हो गई थी, और NJPW के 2-4 बड़े रेसलर को इंजरी हो गई, जिसके वजह से लास्ट ईयर पेपर व्यू के ऊपर बिल्डअप जो थी वो खराब हो गई। इस साल आई थिंक मर्सिडीज मून को छोड़कर कोई बड़ा स्टार इंजर्ड है नहीं, टाइजी इशिमोरी इंजर्ड है बट उससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, तो मर्सिडीज मून को छोड़कर और जेमी हेडर को छोड़कर जो वुमेन डिवीजन की जो सबसे बड़ा ड्रीम मैच था वो तो नहीं होगा।
वो आई थिंक फॉरबिडन डोर में जाएगा अगर मर्सिडीज मोन एज रिव्यू पर आती है तो। बट इसके अलावा कोई रेसलर अभी इंजर्ड है नहीं। विल ऑस्प्रे को लेकर मैं काफी ज्यादा कंसर्न हूँ, ऑस्प्रे लगातार इंजरी के साथ कम्पीट कर रहे हैं। आज यहाँ पर डोमिनियन के ऊपर भी ऑस्प्रे इंजरी के साथ ही कम्पीट करने वाले, और मैं होप करता हूँ कि भाई ऑस्प्रे को कोई सीरियस इंजरी हो ना, क्योंकि अगर होगी तो बहुत ही ज्यादा बेकार लगेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऑस्प्रे को कोई सीरियस इंजरी हो यहाँ पर। ऑस्प्रे अगर इंजर्ड होता है तो भाई ओमेगा वर्सेस ऑस्प्रे कैंसिल हो जाएगा। अपने दूसरे मोबाइल पर लाइव चेक कर लो ब्रो, अगर मैं ये सब करने लगा, अगर लाइव चेक करने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो वैसे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, ये स्क्रीन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं दूसरे मोबाइल पर या अपने टैबलेट के ऊपर चेक करूंगा तो थोड़ा सा जो मेरा फोकस है वो हट जाएगा, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं भूल जाऊंगा। वैसे भी मैं आज स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे स्क्रीन के ऊपर लगातार चीजें बदल रही है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेरा फोकस हट रहा है। आज मैनेज कर लो फ्रेंड टूगेदर, अगली बार से हम इसे सही कर देंगे बिल्कुल। हाँ ब्रदर, वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप लोगों को समझने में तकलीफ जा रही होगी, मुझे समझ आ रहा है। गुड वर्क ब्रदर। हाँ ठीक है यार, वॉइस नहीं आ रही है सही, कोई बात नहीं, अगली बार हम ठीक कर देंगे इसे। आ रही है वॉइस, डोंट वरी। ओके गुड, पंक से बहुत उम्मीद है भाई, सीएम पंक से आपको उम्मीद नहीं है, सिर्फ टोनी खान को बहुत ज्यादा उम्मीद है, प्रोफेशनल रेसलिंग बोर्ड को बहुत ज्यादा उम्मीद है। सीएम पंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कोलिजन फ्लॉप होगा या हिट होगा। 1% रेसलिंग, मैंने ये नहीं कहा कि कोलिजन फ्लॉप होगा, मैंने ये कहा कि व्यूअरशिप के अंदर कोलिजन डायनामाइट को बीट नहीं कर पाएगी। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, पहला जो कोलिजन होगा उसकी व्यूअरशिप 1 मिलियन को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि वो पहला कोलिजन होगा। बट मैं बात कर रहा हूँ कोलिजन के शुरू होने के 2 महीने बाद की, मैं बात कर रहा हूँ अगस्त और सितंबर में जब कोलिजन होगा उस समय वीकली व्यूअरशिप क्या होगी। बट व्यूअरशिप को हटा दें तो भाई सीएम पंक वो बंदा है जो स्टोरी लाइन के मामले में, कोलिजन के मैचेस की, बाकी जो ऑनलाइन व्यूअरशिप होती है उसके मामले में, कोलिजन के रसल के, मर्चेंडाइज के मामले में, कोलिजन के सबसे बड़ी बात टिकट सेल के मामले में, AEW कंपनी के डायनामाइट शो को बीट करा सकता है। सीएम पंक से टोनी खान को बहुत ही उम्मीद है। जैसे ही डायनामाइट के ऊपर सीएम पंक को टोनी खान ने अनाउंस किया, AEW कंपनी जितने भी उनके कोलिजन को लेकर प्रमोशन कर रही है इवेंट को सोशल मीडिया पर, सारे पोस्टर के ऊपर सीएम पंक को इन लोगों ने छाप दिया कि टिकट को बेचें। सीएम पंक को डायनामाइट पर टोनी खान अनाउंस नहीं करने वाले थे। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, टोनी खान ओरिजिनली इस हफ्ते AEW डायनामाइट पर सीएम पंक को अनाउंस नहीं करने वाले थे। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से टोनी खान सीएम पंक को AEW के कोलिजन के डेब्यू एपिसोड के ऊपर सरप्राइज के तौर पर लाने वाले थे, बट क्योंकि कोलिजन की टिकट बिक नहीं रही थी सही से, बाकी जितने भी कोलिजन है उनके भी टिकट बहुत ही कम थे, तो टोनी खान को ना चाहते हुए भी सीएम पंक को अनाउंस करना पड़ा ताकि सीएम पंक के नाम से टिकट बिके, और टिकट बिकी भी। जैसे टोनी खान ने डायनामाइट पर अनाउंस किया, मात्र 12 घंटों के अंदर 800 से ज्यादा टिकट पहले कोलिजन के और भी ज्यादा बिक गए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीएम पंक की वजह से कोलिजन की जो टिकट सेल होगी वो बढ़िया होगी। जहां तक बात रही व्यूअरशिप की, व्यूअरशिप आने वाला टाइम बताएगा, अगर ये डायनामाइट को बीट करता है मजा आने वाला है, सच में मजा आने वाला है। मुझे पर्सनली कोलिजन से हाई एक्सपेक्टेशन है, मैं कोलिजन को थोड़ा सा डिफरेंट देखना चाहूंगा डायनामाइट के मुकाबले। मैं वंस अगेन मैं नहीं चाहता हूं कोलिजन पर जॉन मॉक्सली अपीयर हो और ना ही यहां पर इलीट अपीयर हो। मैं नहीं चाहता हूं जॉन मॉक्सली और इलीट AEW कोलिजन पर अपीयर हो। भाई मुझे जॉन मॉक्सली इलीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केनी ओमेगा वन ऑफ द ऑल टाइम मेरे फेवरेट रेसलर है भाई, जॉन मॉक्सली AEW कंपनी को कैरी कर चुका है सबको मालूम है, तो ऐसा नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा कोलिजन को डिफरेंट देखना चाहता हूं, अगर वही रेसलर डायनामाइट से कोलिजन पर भी अपीयर होंगे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो जॉन मॉक्सली वैसे भी कोलिजन के पहले एपिसोड पर आने वाले हैं नहीं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि जॉन मॉक्सली सीएम पंक के साथ काम करना चाहेंगे, जो भी हुआ है यहाँ पर, और इलीट तो काम नहीं करना चाहती है सबको मालूम है। जेरिको को देखना होगा कि जेरिको दोनों MJF को रेसलर है जो दोनों सुपर आना चाहिए, क्योंकि MJF को मजा आएगा देखने में कोलिजन के ऊपर भी और डायनामाइट के ऊपर भी। बट कुछ ऐसे रेसलर हैं जो मैं चाहूंगा कि डायनामाइट पर रहे ताकि डायनामाइट की भी बिल्डअप बनी रहे, जो इलीट की ऑडियंस है वो डायनामाइट को देखे हाइप रहे, और कोलिजन सीएम पंक और FTR की ऑडियंस देखे। सीएम पंक से हाईली एक्सपेक्टेशन है, सबको मजा आने वाला है देखने में कि पंक क्या करता है इस शो के साथ। सुजुकी और स्टिंग को टैग टीम मैच में डालना चाहिए, पॉसिबल हो तो सिंगल मैच में डाल दो, मजा आएगा। अब देखो यार यहाँ पर आज मैंने पोस्टर देखा ट्विटर के ऊपर, आई थिंक AEW के ऑल इन पेपरव्यू को लेकर था, उस पोस्टर के ऊपर एक फैन ने पोस्टर बनाया था जहां पर स्टिंग एंड डार्बी एलन वर्सेस रिप फ्लेयर और आंद्रादे एल इडोलो का मैच था। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा वो वाला पोस्टर, तो ये कुछ पूरा का पूरा सिनेरियो था।
अब आप लोग आंद्रादे रिक प्लेयर वर्सेस ईस्टर्न डर्बी का मैच देखना चाहते हो नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। गेम चेंजर फ्रेडी प्रिंस जूनियर की कंपनी का क्या हुआ ब्रो? फ्रेडी प्रिंस जूनियर के पास बजट नहीं है। बजट एक बहुत ही बड़ी चीज होती है रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर। मतलब देखो, अगर एक बड़ी कंपनी खोलनी है AEW के मुकाबले, तो वो कंपनी खुलेगी नहीं। इम्पैक्ट रेसलिंग के लेवल की भी कंपनी खोलनी है तो आपके पास कम से कम 30 मिलियन का बजट होना चाहिए। फ्रेडी प्रिंस जूनियर के पास वो बजट नहीं है कि वो उतने हाई लेवल के रेसलर्स को साइन करें, और हाई लेवल के रेसलर्स मार्केट में है भी नहीं, क्योंकि जो भी आ रहे हैं मार्केट में WWE और AEW उनको साइन कर दे रही है। तो आज के टाइम पर WWE और AEW के होते हुए मार्केट में आकर अपना एक बड़ा कंपनी बनाना बहुत ही टफ काम है। फ्रेडी प्रिंस जूनियर लगातार इंटरव्यूज के अंदर बात कर रहे हैं कि वो अभी शो को लेकर काफी सारे नेटवर्क के साथ बात, पॉसिबली टीवी डील के लिए, ताकि टीवी डील से उन्हें मोटे पैसे मिले और तब उस शो को शुरू करे। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये कंपनी खुलेगी भी, तो मुझे लगता है कि कोई टीवी डील वाला है 20 मिलियन का, अनलेस यहाँ पर कोई खान हो। ब्रेव वायट को AEW करना चाहिए, वो क्रिएटर वायट क्रिएटर वायट अगर बाकी लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं स्ट्रीम को बंद करके दोबारा ओपन करके देख सकता हूँ। क्या मैं स्ट्रीम को खोल करके दोबारा स्टार्ट करूँ? अगर हाँ तो आप लोग कॉमेंट करो, क्योंकि यहाँ पर अभी एक और बंदे को प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रीम के ऊपर। एक बार आप लोग कमेंट करो क्या मैं स्ट्रीम को रिस्टार्ट करूं बंद करके। हर्ष बोल रहे हैं हाँ भाई रिस्टार्ट करो। चलो मैं स्ट्रीम को बंद करके रिस्टार्ट करता हूं 5 मिनट्स के अंदर। अगर वॉइस क्लियर आती है तो सही है, और नहीं आती है तो गाइस आज कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ टेक्निकल इशू है। जहां से मैं स्ट्रीमिंग करता हूं वेबसाइट के ऊपर टेक्निकल इशू है। आई थिंक ये लोग वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, तो पता नहीं कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं रिस्टार्ट करके देखता हूँ। 9:20 हो रहे हैं, 9:30 बजे ये स्ट्रीमिंग दोबारा रिस्टार्ट होगी। 10 मिनट में थोड़ा सेटिंग करके भी देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग दोबारा ज्वाइन करो। स्ट्रीम को हम क्लोज करते हैं, स्ट्रीम को शुरू करते हैं।